लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत, अनलॉक 2 की हुई शुरुआत, जाने क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। खुशखबरी, दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू, जाने कोरोना मरीजों को कैसे मिलेगी मदद। चीन ने LAC पर तैनात किए सेना के 2 डिवीजन, भारतीय ब्रिगेड ने भी संभाला मोर्चा। चीन को एक और झटका, अब BSNL MTNL ने उठाया ये बड़ा कदम। दिल्ली NCR में अभी बारिश नहीं, इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। आम आदमी को झटका, आज से महंगा हुआ गैस सिलेंडर, जाने कितनी हुई कीमत। आज फिर नहीं बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए आज क्या है भाव। 1 जुलाई से बदल गया आधार कार्ड से जुड़ा ये बड़ा नियम, अब इन कामों के लिए भी जरूरी हुआ आधार। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऋण चुकाने को लेकर राजस्थान सरकार ने किया बड़ा फैसला। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कन्फर्म केसों का आंकड़ा 5,85,792 के पार जा चुका है और 17,410 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 3,47,979 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,14,021 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,05,91,079 कन्फर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़ा और बढ़ गया हो। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। ये फेज 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होगा। अनलॉक 1 में काफी गतिविधियों में छूट मिली थी, जिसके बाद अब अनलॉक 2 में इसे बढ़ाया गया है। आज से फ्लाइट और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं अब रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दुकानों में 5 से ज्यादा लोग जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। अनलॉक 2 में स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आगे का फैसला राज्य सरकारों से विमर्श के बाद होगा। मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। इनके अलावा सरकार की ओर से अभी भी कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। यहाँ सिर्फ जरूरी गतिविधियों को मंजूरी है। इसके अलावा कम से कम लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला है। ये बैंक आज से शुरू हो रहा है। इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के सरकारी इलाज और उनकी जान बचाने के उद्देश्य से किया है। प्लाज्मा बैंक में अब तक जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए उनसे प्लाज्मा जुटाया जाएगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। प्लाज्मा के लिए सरकार कोरोना से ठीक हुए मरीजों का डेटा निकाल कर उन्हें कॉल करके प्लाज्मा दान करने की अपील कर रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसने देश में सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया। LAC पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपनी तैनाती और बढ़ा दी। चीन की ओर से सेना के 2 डिवीजन की तैनाती भारतीय सीमा पर की गई। जवाब में भारतीय सेना ने भी तैनाती बढ़ाई है। इन सबके बीच भारतीय सेना को लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव अक्टूबर तक जारी रहेगा। खबर है कि चीन के तिब्बत और सिंजियांग प्रांत में मौजूद 10,000 अतिरिक्त सैनिक बीते दिनों से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत ने चीन को एक और झटका दिया। BSNL और ATNL ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया है। अब दोबारा नया टेंडर जारी किया जाएगा। सरकार ने BSNL और MTNL को चीन की कंपनियों से सामान न खरीदने का निर्देश दिया था, जिसके बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया। अब नए टेंडर में मेक इन इंडिया और भारतीय टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान होंगे। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने कहा कि सभी के कठिन प्रयासों और श्रम से दिल्ली में कोरोना वायरस के उपजे हालात को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। CM ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हालात में सुधार है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,00,000 होने तक अनुमान था। इनमें से 60,000 एक्टिव केस होने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन मौजूदा समय में एक्टिव केस 26,000 है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15,000 बेड का इंतजाम है, जिसमें मरीज 5,800 ही हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की कोरोनिल दवा पर हुए विवाद को लेकर सफाई दी। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की कोरोनिल और सवासीर दवा पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। आज से हमारी कोरोनिल किट देश भर में उपलब्ध हो जाएगी। हमने अलग अलग राज्यों से भी बात की है। रामदेव ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा है कि आप प्योर शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, तो हमने कहा कि ठीक है, इसे कोविड क्योर नहीं कहकर कोविड मैनेजमेंट कह लेंगे।
गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने योजना को कोरोना के प्रकोप तक जारी रखने की मांग की। मायावती ने बुधवार को ट्वीट किया, कोरोना वायरस एवं उस कारण लॉकडाउन की पाबंदी और बेरोजगारी आदि की जबरदस्त मार से पीड़ित देशवासियों को भुखमरी की असहनीय स्थिति से बचाने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक नहीं बल्कि देश में कोरोना के प्रकोप तक जारी रहने की आवश्यकता है। बीएसपी की यही मांग है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में पिछले महीने लगातार 21 दिनों तक बढ़ोतरी पर देशव्यापी विरोध रंग लाता हुआ दिखा है। आज लगातार तीसरे दिन इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार जुलाई 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के रेट क्रमशः 80.43, 87.19, 21.1 और 83.63 रुपए हो गया। वही डीजल के दाम 80.53, 78.83, 75.64 और 77.72 रुपए हो गए। मध्य भारत में मॉनसून की सक्रियता बढ़ गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा के तटीय भागों में खासतौर पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के दौरान पूरे गुजरात में बारिश होगी। महाराष्ट्र में मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर सभी जगहों पर बारिश के आसार है। स्काईमीट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून की हलचल बढ़ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी वर्षा जारी रहने का अनुमान है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही लगातार मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हाल ही में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि फांसी लगाने की वजह से सुशांत की मौत हुई। अब सुशांत की विस्तृत रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में उनकी मौत को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। सुशांत की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता के शरीर में किसी भी तरह के संदिग्ध रसायन या जहर का मौजूदगी नहीं पाई गई। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां 1 जुलाई से 26 जुलाई तक घोषित की है। सरकार 27 जुलाई से स्कूल खोलने की योजना बना रही है। कोरोना महामारी के कारण अभी स्कूल पूरी तरह से बंद है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने भले ही स्कूल खोलने का फैसला लिया हो लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों की वजह से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तमिलनाडु के कुडालोर जिला स्थित नेवेली पावर प्लांट में बॉयलर स्टेज 2 में ब्लास्ट होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हुए। 17 घायलों को NLC लिग्नाइट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अभी तक ब्लास्ट की वजह की जानकारी सामने नहीं आई है। ये विस्फोट कुडालोर के नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के एक बॉयलर में हुआ है। NLC की अपनी दमकल टीमें हैं जो विस्फोट के बाद बचाव अभियान में जुट गयी। साथ ही कुडालोर जिला प्रशासन से बचाव दल भी मौके पर पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें CRPF की 179वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल शहीद हो गए जबकि एक बुजुर्ग नागरिक की भी गोली लगने से मौत हो गई। इस बीच सोशल मीडिया पर एक मार्मिक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। गोलाबारी के बीच CRPF के एक जवान ने एक बच्चे की जान बचाई और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बच्चे की उम्र 3 साल है। वो सुबह अपने दादाजी के साथ वॉक पर निकला, उसी दौरान अचानक गोलाबारी शुरू हुई और इसमें उनके दादा को गोली लगी और उनकी वहीं पर मौत हो गई। सोशल मीडिया पर बच्चे की कई तस्वीरें सामने आई हैं और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। चर्चित गोल्डन बाबा उर्फ सुधीर कुमार मक्कड़ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। वो पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रहते थे। गोल्डन बाबा हरिद्वार के कई अखाड़ों से जुड़े हुए थे। बाबा बनने से पहले वो एक गारमेंट व्यवसायी थे। उन्हें सोने के आभूषणों का बहुत शौक था। गोल्डन बाबा 20 किलो स्वर्ण आभूषण और 21 लग्जरी कार्स के साथ कांवड़ यात्रा पर गए थे। इसकी हर तरफ चर्चा हुई। हिस्ट्री शीटर बदमाश से संत बने गोल्डन बाबा दिल्ली और यूपी में काफी चर्चित रहे। दुबई का एक सुपरमार्केट अपने ग्राहकों को ताजे रसीले आमों की होम डिलीवरी लैम्बोर्गिनी कार से कर रहा है। दरअसल सुपरमार्केट के मालिक मोहम्मद जेहान जेब और उनकी टीम ने आम को लोगों तक पहुंचाने के लिए राजसी अंदाज अपनाया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। दुबई स्थित पाकिस्तान सुपरमार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार से आम की डिलीवरी होती है। बस यही नहीं, अगर कोई ग्राहक आम के लिए ऑर्डर करता है तो उसको फ्री राइड भी मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैम्बोर्गिनी कार की कीमत 3 करोड़ रुपए से शुरू होती है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। बता दें कि सरकार की ये योजना 1 जून को लागू की गई थी। इसके बाद से महीने भर में इससे संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई। अब इस नए राशन कार्ड से आधार को लिंक कराना है। ये काम 31 जुलाई तक होगा। निर्धारित अवधि के दौरान आधार कार्ड लिंक न कराने वाले लाभार्थियों को अगस्त में राशन लेने में दिक्कत आ सकती है।
कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने और बढ़ा दिया गया। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहार के सीजन में बढ़ने वाले खर्च से काफी राहत मिलेगी। इस पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च के साथ पिछले 3 महीने से जोड़कर सरकार कुल 1,50,000 करोड़ का खर्चा वहन कर रही है। राशन कार्ड धारक अपनी नजदीकी दुकान से फ्री राशन ले सकेंगे। जुलाई महीने के पहले ही दिन आम आदमी को झटका लगा। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए। IOCL की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 1 रुपए महंगा हुआ। कोलकाता में 4 रुपए, मुंबई में 3.50 रुपए, चेन्नई में 4 रुपए महंगा हुआ। इसके बाद दिल्ली में कीमत 594 हो गई। हालांकि एक राहत की बात यह है कि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 4 रुपए की कटौती हुई। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी। किसानों के लिए खरीफ और रबी सहकारी फसल ऋण को चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को खरीफ 2019 सीजन में लिए गए फसली ऋण 31 मार्च तक चुकाना था, लेकिन पहले इसकी तिथि को 30 जून तक किया गया और अब इसे 31 अगस्त तक कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते किसानों को ऋण जमा करवाने में परेशानी हो रही थी और तिथि को आगे बढ़ाने की मांग उठ रही थी। मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, हर साल देश में करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है। इन भयावह आंकड़ों को देखते हुए सरकार एक नई सुविधा की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही कैश लैश इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए ही होगी। मतलब ये कि सड़क हादसे में जो पीड़ित होगा उसे 2.5 लाख रुपए तक की कैश लैश इलाज की जा सकेगी। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के परिवहन सचिवों और आयुक्तों को पत्र लिखा। 1 जुलाई से इनकम टैक्स और आधार से जुड़ा नियम भी बदल रहा है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आधार नंबर का ब्यौरा देना जरूरी होगा। इसका मतलब ये है कि आज से अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। जुलाई से आधार की अहमियत बढ़ गई है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो 1 जुलाई के बाद आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते। इतना ही नहीं, विदेश मामलों के मंत्रालय ने आधार को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेशन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।